चलो दोनों करेंगे आज। ॐ प्रज्ञानं सुप्रदानै शीलचरणिकर व्यापि वीराप्य लोकान् भूत्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरभिः उद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितु मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया शङ्खतुल्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्योरिस्वात्मा विधिजनकयान् प्राश्यभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वादेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वशौ नः सुदीयः। अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद पर विचार करते हुए बनो प्रथम प्रकरण, इसमें चार प्रकरण है, आगम प्रकरण, वैतत्व प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलग शांति प्रकरण। अभी हम लोग आगम प्रकरण पे टिके हुए है ना। पहले भगवान भाष्यकार यहाँ पे उपोद्घात भाष्य में इस सामान्य विषय को विचार किया, अनुबंध चतुष्टय को भी दिखाया, तो सामान्य हर ग्रंथ के लिए नियम होता है। फिर उसके बाद ग्रंथ की व्याख्यान करते शुरू करते हुए पहले श्रुति स्वयं आपने अभिधान को प्राधान्यता दे करके ओम इति एतदक्षर मेदगुम सर्वम इसके द्वारा नाम के ऊपर प्राधान्यता दे करके नाम और नाम ही अभिन्न होते हैं तो मुख्य रूप से पहले ओंकार के ऊपर जोर दिया। फिर जो है अभिधेय ये सारा दो नंबर मंत्र में जो भी कुछ दिखाई दे रहे सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म कौन है? तब बोलते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा एक ब्रह्म, हमारे स्वरूप ही व्यापक है। ब्रह्म मतलब एक निर्दिष्ट व्यापक का पूर्ण आनंद, ये कौन है? ये तुम्हारे स्वरूप ही है। अब फिर जो है अब इतना मात्र उत्तम अधिकारी के लिए इतना ही पर्याप्त था। मैंने श्रुति माता जानती है कि सभी व्यक्ति इतना उत्तम अधिकारित्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रुति स्वयं अपने आप अध्यारोप प्रक्रिया शुरू करती है, अध्यारोप प्रक्रिया का अंत पात होकर के मतलब सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए यदि गुण मिला। इसलिए श्रुति क्या कहते हैं? स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ठीक है ना। ये है हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? 17 पेज 17 मतलब दूसरा मंत्र पूरा हो गया था। तीसरा चल रहा है ये सप्ताह 19 मुख के कोण विमर्श, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भगवान भाष्यकर बोल रहे श्रुति यहाँ पे जो है कि अभिनय करके दिखाते हैं। देखो यही आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म मतलब अपने हाथ को अपने शरीर में लगा करके हृदय देश में लगा करके ये दिखाते हैं कि यही व्यापक है जो परिच्छिन्न रूप में दिख रहा है परंतु ये व्यापक है। और वहाँ पे चतुष्पाद शब्द का अर्थ करते भगवान भाष्यकर बताए थे ये पाद शब्द में दो प्रकार की मतलब ये तो वही लगा प्रत्यय तो वही लगा है। प्रत्यय लगाने के अर्थ भिन्न है। पद्यते अनेन इति पाद वहाँ पे क्या हो गया? करण अर्थ में घय प्रत्यय हुआ था। करण अर्थ में घय प्रत्यय किया था जिसके द्वारा चल करके हम पहुंचते हो गया पाद। और ये हो गया पहला तीन पाद के लिए। और जो पद्यते इति पाद जिसको प्राप्त किया जाता है इति पाद यहाँ पे क्या होता है? भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। धातु अर्थ को प्राप्त करने के विषय में मुख्य रूप से कहा गया है। इस प्रकार से क्यों यदि ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? चार ही या तो उपाय हो जाता अथवा चार ही उपेय हो जाता है। उपाय और उपेय मतलब मीन्स एंड द गोल, ठीक है ना। यदि हम चारों को अनन्य पद्धति पाद ऐसा करते तो क्या होता है कि हमको इसके ऊपर चल के जाना है, कहाँ जाना है ये निश्चय नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे तीन को अलग करके इसके ऊपर चल करके यहाँ जाना है। और यदि मान लीजिए केवल भाव अर्थ में प्रत्यय होता तो यहाँ पहुंचना है कैसे पहुंचना है ये समझ में नहीं आता।
इसलिए भगवान भाष्यकार स्वयं आत्मा चतुष्पाद को और यहाँ पर श्रुति कहती है पादा मात्रा मात्रस्य पादा ओंकार की जो है मात्रा है और हमारे जीव की जो पाद है जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो दोनों भिन्न नहीं है। इसको ये अध्यारोप प्रक्रिया के माध्यम से पद्धति अन्य मतलब आपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में जो व्यवहार चलता है इसके ऊपर विचार दृष्टि को खोलिए, इसके ऊपर विचार दृष्टि को खोलिए। जागृत काल में हम स्थूल शरीर के साथ इंद्रियों के साथ बाहरी वस्तु को भोग करते आगे बोलेंगे इसे अब क्या बोलेंगे। स्वप्न काल में हम क्या करते हैं स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं इंद्रियों को छोड़ देते हैं नया इंद्रियों मनोकल्पित बना लेते हैं मनोरथ में विचार करता सूक्ष्म वस्तु को भोग करते हैं। सुषुप्ति काल क्या है ना जागृत स्थूल वस्तु है ना सूक्ष्म वस्तु है इसमें भोग करते हैं अज्ञान में रह करके आनंद को भोग करते हैं अज्ञान में रह करके आनंद को भोग करते हैं वो हमारे लिए विषय बनते हैं। ये तीन जो है अध्यारोपित पाद है आत्मा को पाद और इस तीनों के पाद में देखिए कि आपको क्या हो रहा है विषयों का व्यभिचार हो रहा है ना। एक जगह पे स्थूल इंद्रियां अस्थूल विषय एक जगह पे कल्पित इंद्रियां और कल्पित विषय एक जगह पे इंद्रिय भी नहीं है विषय भी नहीं है फिर भी आनंद है उसको अज्ञान के आनंद अज्ञान सम परंतु तीनों जगह में मतलब विषय की व्यभिचार करने पर भी जो देखने वाला दृष्ट नहीं दस्तूर दृष्टि भी परिलोभ विद्यते अविनाशित्वात् ये जो दृष्टा की जो दृष्टि है वो अविनाशी दृष्टि होने के कारण उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। जिस समय कुछ देखते हैं उस समय उसको देखता है जिस समय कुछ नहीं देखते हैं उसको भी वो देखता है देख रहा है कि ये आपका अनित्य दृष्टि ये अनित्य दृष्टि उसको देखने वाला एक नित्य दृष्ट है उसको समझाने के लिए अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है अब जो है ये चीज को ध्यान रखना है कि क्यों यहाँ पे भगवान भाष्यकार ये चतुष्पाद शब्द को दो प्रकार से यहाँ पे प्रत्यय के अक्षय को भिन्न किया। यदि हम इससे नहीं करते तो क्या होता कि या तो चार ही हमारा करण हो जाता अथवा चार ही हमारे गंतव्य स्थान होते कैसे पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे विभाजन नहीं कर पाते। इसको अब क्या तीसरा मंत्र में हमने वहां पे मंत्रों को एक साथ साथ मिलकर के पढ़ेंगे तीसरा मंत्रों को एक बार साथ मिलकर के पढ़ेंगे। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलो लघु वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वयं आत्मा चतुष्पाद बोला था उसमें तीन पाद करण रूप में दिखाया ये स्थूल शरीर अथवा स्थूल इंद्रियों जागृत काल को सहारा लेकर के आप उस आत्मा को क्योंकि इन शरीर इंद्रियों मनोबुद्धि विषय ये सारा जड़ है भूत भौतिक सारा वस्तु जड़ है आत्मा को परिकल्पित है परंतु कोई एक चेतन तत्व तो है जिसके अंदर हम इसको मतलब समझता हूँ कि ये जड़ है अथवा वस्तु है उसको समझाने के लिए हमें बोलते हैं जागृत स्थान मतलब भगवान भाष्यकार बोले इसका भाष्य पढ़ लिए थे एक अभिमान मात्र है केवल एक अभिमान मात्र है स्थानम अस्य इति अभिमानस्य विषय भूतम अभिमान करते हैं हम बुद्धिमान है मतलब क्या हो गया अब बुद्धि के साथ तारात्म्य करके देखिए अभिमान अभि मतलब ऊपर से मान्यता देना अभिमान शब्द का अर्थ क्या है फिर सिंपल You are measuring yourself, adding something on him. अभी ऊपर से कुछ जोर करके मियते अनेन इति मान तो इसके अंदर आप अपने को मापते हैं यही हमारा अभिमान शब्द प्रयोग देखिए संस्कृत भाषा के लिए एटमोलॉजी का जो इफ एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा क्लियर हो जाता है कि वो अभिप्राय क्या है यहाँ पे अभिमान मतलब हम अभिमान करते हैं पहले अभिमान क्या हुआ मैं मनुष्य हूँ सबसे बड़े शरीर के साथ आदम की अभिमान शुरू हुआ फिर मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं विद्वान हूँ मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मैं धनवान हूँ मैं बलवान हूँ सारा जो है आत्मा को अभिमान है ना ये अभिमान करके व्यवहार करते हैं अभिमान नहीं करते तो व्यवहार नहीं होता है ना अभिमान नहीं होता क्योंकि अध्यास भाष्य देखना ब्रह्मसूत्र के अध्यास वर्ष में भगवान भाष्यकार ये सारा प्रमाण प्रमेय प्रमत्री आदि व्यवहार ये अध्यास करके ही होता है और इस अध्यास करके जो व्यवहार होता है इसमें मनुष्य का व्यवहार और पशु के व्यवहार में कोई भिन्नता नहीं है। पशु भी अनुकूल वस्तु को देख करके जाता है और प्रतिकूल के भाग आते हैं हम भी अपने मन से राग देश अनुकूलता प्रतिकार को लेकर व्यवहार करते भाग आते हैं इस प्रकार व्यवहार में पशु और मनुष्य में कोई भिन्नता नहीं है। यदि आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं तब जाकर के व्यवहारिक भिन्नता हो सकती है।
कभी मतलब क्या होगा, निस्वार्थ व्यवहार होता है वो जितना जीवन मुक्त पुरुष में दिखाई पड़ती है, बोलते हैं अभिमान। भाष्य कहाँ तक पढ़ लिए थे? जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, जागृत स्थान मतलब जागृत विषय में अभिमान करके, इस समय ये केवल मात्र बाहर विषय प्रज्ञा इसको होता है। क्या होता है इसका? बाहर विषय प्रज्ञा। ये बाहर विषय कहाँ से कहाँ तक है? बाहरी विषय कहाँ से कहाँ तक है? आँख के द्वारा जो बाहर विषय देखते ये भी है, केवल अपने स्वरूप को छोड़ करके सब बाहर, अपने स्वरूप को छोड़ करके सारा बाहर है। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रज्ञा स्थावत अंतरतम प्रसिद्ध अयुक्तमिति विशेषण व्यासन प्रज्ञा। प्रज्ञा तो हमारा क्या होता है? टीका में देखिए, टीका पढ़ने शुरू नहीं किया था ना? टीका थोड़ा किया था। अच्छा ठीक है, देखिए टीकाकार क्या बोलता है कि पहले देखिए बहिष्व स्थानमस्य जागरितम स्थानम स्थानमस्य जागरित स्थान, तो वहाँ पे स्थानमस्य अभिमानस्य विषय होता है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ, अब बताओ ये ज्ञान आपका अंदर है कि बाहर है? है अंदर है, तो बाहर कहाँ से ज्ञान चला गया? ये बहिष्प्रज्ञ सूत्र कैसे बोल दिया ज्ञान बाहर की ज्ञान, ये कैसे बोल दिया? अब उसके लिए देखिए लिख रहे हैं वहां पे बहिष्प्रज्ञ, भाष्य का लिखते हैं स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञ, मतलब उस समय हमारा क्या होता है, अपने स्वरूप को छोड़कर हर विषय संबंधित ज्ञान होता है। कहाँ तक आपका ज्ञान होता है? बाहरी वस्तु का ज्ञान होता है, आपको समझ में आता है, फिर इस शरीर को भी आप मैं करके बोलता हूँ, शरीर को मैं करके बोलता हूँ, फिर मान लीजिए कोई आंख से दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, कान में कोई पीड़ा हुआ, पेट में कोई दर्द हुआ, ये कौन समझते हैं? मैं समझता हूं, ये भी बाहर हो गया, विषय रूप में जो भी कुछ जान रहे हैं वो बाहर हो गया। लास्टली देखिए ये जो अहंकार है, अहंकार है, अहंकार कहते हैं जो अंतकरण में प्रतिफलित चेतन, वो प्रतिफलित चेतन क्या होता है, अपने को परिच्छिन्न कर लेता है, प्रतिफलित चेतन जैसे सूर्य व्यापक होते हुए भी छोटे दर्पण में छोटा रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हो गया अपने अहंकार को मैं समझता हूँ क्या, मैं ये हूँ, मैं ये समझा, यहाँ तक अब वहाँ पे दृष्टा आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर जगह पे मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, अब उसके साथ हमारी अहंकार जुड़ा हुआ है। आप अहंकार को अलग करके देखेंगे तो दृश्य तो आपको समझ में आएगा, दृष्टा समझ में नहीं आएगा, परंतु ये निश्चित है जहाँ पे कोई दृश्य है दृष्टा के बिना दृश्य आपको समझ में नहीं आ सकता है, वो जो दृष्टा है अहंकार को देखने वाला वो हमारा स्वरूप है, वो साक्षी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आपका भाष्य का क्या बोलता है, अपने स्वरूप को छोड़ करके जो भी कोई वस्तु आप समझ रहे हैं ये सब बहिष्प्रज्ञ बताइए, बाहरी विषय के, ये बाहरी विषय। तब आप देखिए बहिर्मुखता, लोग सोचते हैं कि बहिर्मुखता मतलब क्या होता है, ये बाहरी वस्तु को देखना, इधर आ जाए समझो, केवल इतना ही मात्र, जितना आप साधन करते जाएंगे जितना आपका मन धीरे धीरे भगवान में लगने लग जाएगा, आप मतलब स्वरूप को करके उससे सब कुछ आपको अलग लगने लग जाएगा, ये आपके लिए पति प्रतिबंधक हो रहा है, कभी भी शरीर में कोई पीड़ मन उधर चला गया चिंतन में चला गया, तो ये बहिष्प्रज्ञता, ये केवल मात्र बहिर्मुखता, मतलब ये समझना साधन करते करते आपको समझ में आएगा, पहले हम बहिर्मुखता समझ, इधर जाओ उधर जाओ ये करो, ये बहिर्मुखता है, केवल इतना ही बहिर्मुखता नहीं है। भाषा क्या बोलते हैं, ये दिन रात शरीर की चिंतन, यहाँ बीमारी वो बीमारी, ये भी बहिर्मुखता है, सूक्ष्म वस्तु है, इसको घबराना नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर से, क्योंकि हमारी कल्पना है, जब हम अपने को उससे अलग करना चाहते हैं हमारे मन में एक बैठना चाहिए स्पष्ट रूप में, देख ये भी बहिर्मुखता होगा, ये भी बहिर्मुखता की एक पार्ट है, सावधान, इसलिए धीरे धीरे मन को ऊपर उठाओ, ठीक है शरीर अपना प्रारब्ध से चलता ही रहेगा, अब मान लीजिए जो भोग भगवान ने दिया हुआ है, तीन प्रकार के प्रारब्ध होता है, क्या क्या एक हो गया शिक्षा प्रारब्ध, एक होता है परिच्छा प्रारब्ध, और एक होता है अनिच्छा प्रारब्ध, है ना। ये तो समझ में आता है, शिक्षा मतलब कोई अच्छा काम करूंगा ये करूंगा, मैं
इच्छा दी जगह मन में भगवान ने, तो मैंने किया उसका अच्छा फल होगा बुरा जो भी होगा अपनी इच्छा से किया था। शिक्षा प्रवृत्ति एक होता है परीक्षा प्रवृत्ति, कई बार माना किया नहीं होगा नहीं जो मैं नहीं करूँगा परंतु तो फिर भी बार बार घूम घूम के आ रहा है, इसका मतलब क्या है ईश्वर का कुछ विधान है। हमको इस शब्द में पहले सुना था चैतन्य स्वामी के मुंह से, चैतन्य स्वामी के पास जब हम पढ़ते थे विष्णुदेवानंद जो शिवानंद जो वेदांत शंकर के, वो जो है वो कई बार विदेश जाने के लिए बोलते थे, वो जो वो व्यक्ति थे वो तो गया ही नहीं कहीं नहीं गया, उनके शरीर छूटने के बाद एक इंटरनेशनल पीस मिशन हुआ विदेशों में, तब स्वामी जी को फिर वहाँ पर जाने के लिए बोला और स्वामी जी के साथ गुरु भाई थे, तो उस समय मैं भंडारकर प्रदेश में ये कुछ परीक्षा प्रवृत्त ऐसा बार बार घूम के आ रहा है तो विदेश गए थे, वहाँ से घूम के आने का बात ही और बोल रहे हैं मुझे इसको किए बिना शायद शरीर नहीं छूटेगा। तो 99 गया 2003 में कश्मीर छोड़ा, तो ये परीक्षा प्रारब्ध इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। एक होता है अनिच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध क्या होता है कि आप कोई हम कभी भी दुख प्राप्ति की इच्छा तो करते नहीं है, है कि हम कभी भी दुख प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हैं, परंतु ऐसा कुछ काम हम करेंगे जिससे हमें आगे दुख होगा, जो मतलब ईश्वर हमारे लिए जिस समय दुख भोगने के लिए लिख रखा, जिस ईश्वर हमें जिस समय उस समय हमारे मन में ऐसा कुछ प्रतिकूल वृत्ति उठाएगा हम समझ नहीं पाएंगे और उसका रिजल्ट हमें दुख रूप में भोगना पड़ेगा। इसीलिए एक प्रारब्ध को आप दुष्ट बनते जाएंगे, अतः आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगा प्रारब्ध शरीर का है इसके साथ मेरा संबंध नहीं है, शरीर के प्रारब्ध को जहाँ पे उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे। ये बहिष्प्रद मैं कहाँ से घूम गया था बहिष्प्रद में, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदलता है, मैं स्वीकार नहीं करूंगी इस व्यक्ति को पुरुषार्थ पूरा बदल नहीं सकते हैं आप, परंतु जो आपको बहुत पीड़ा देता था यहाँ पे कम पीड़ा होगा कुछ देकर के चला जाएगा। ये प्रश्न अर्जुन जी आपकी प्रकृति के अनुसार यदि सब चलेगा तब फिर हम मुक्ति के लिए कैसे प्रयास करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण वहां पे बोलते हैं इंद्रियस्य इंद्रिय स्वार्थी आगत्य, ये तुम्हारे पुरुष का है, प्रत्येक इंद्रियों के अपने जन्मांतरी संस्कार के अनुसार कोई ना कोई विषय की प्रति आसक्ति है, कोई अच्छा बुरा विभाजन करने का, इंद्रियस्य इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्नावश्यकम् उसका भी मत हो जाओ, ये तुम्हारी पुरुष का है, ये यहाँ पर जो कि तुम उसको रोक सकते हो तो प्रारब्ध बदलता जाएगा, तब प्रारब्ध बदलता जाएगा, रास्ता भगवान ने बोल दिया। ये बहिष्प्रज्ञता को वेरी इंपॉर्टेंट, बहिष्प्रज्ञता कहाँ तक होता है, हम केवल बस कहें कि बाहरी पुस्तक सोचते हैं उसको छोड़ दे नहीं, और इसको कोई बुरा मत समझना, कुछ ही नहीं करना कि शरीर साथ नहीं देगा तो हम साधन भी नहीं करते, ये नहीं कि उतना नहीं कठिन करना कि भाई शरीर छूट गया जिसके लिए शरीर दिया था भगवान ने, क्या भगवत उपलब्धि के लिए इतना कठिनाई दिया कि शरीर को उससे पहले बीमार होकर के मृत्यु दे रहे, इसलिए बहुत ये झूलस्य धारा निशिथा दुरत्ता या दुर्गम पदस्थल का अवयव बदल कठोर प्रश्न बोलते हैं ना, इस मार्ग में चलना छूट की धारा के ऊपर चलना जैसा है, झूलस्य धारा निशिथा दुरत्त बहुत शार्प है और इसको पार करना बहुत कठिन, दुर्गम पथ है ये पथ बहुत दुर्गम है, गवय विष्णु लोग ऐसा कहीं करके इस मापदंड को बचा के रखना बहुत वैश्वप्रज्ञा शब्दों को बहुत अच्छी तरह से आपके ऊपर ध्यान देना कि वैश्वप्रज्ञा मतलब कि बड़ी इतना ही नहीं एक जगह पे बैठा हूँ तो मेरा वैश्वप्रज्ञा शुरू हो गया है ना, ये चीज बहुत अपने मन को ऊपर अपने अंदर को जब ढांकेंगे मन वास्तविक भगवान भाष्यकार कितना सुंदर शब्द लिखा आपने को छोड़ करके सारा हमारे लिए भविष्य है, कहाँ पे सबसे अधिक हम फंसे हुए अपने शरीर में हम सबसे अधिक फंसे हुए हैं, कठिनाई से होगा तो हमको बोलेंगे कि मोबाइल जो अभी सबसे अधिक अट्रैक्शन छोड़ सकते हैं परंतु शरीर से ताकत मोटे इतना जरूरी नहीं छोड़ा है ना, इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे आघात किया भेष प्रज्ञा मतलब अविद्या के तहत तो स्वात्म व्यतिरिक्त देखिए स्वरूप से भिन्न होकर के विषय पर कुछ विषय में जो भी कुछ प्रज्ञा होगा स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा जस सब भेष प्रज्ञा ठीक है ना, इसलिए आपने आत्मा को छोड़कर जो शरीर प्रज्ञा तो अंदर की विषय की है, आप टीकाकार देखिए इस अर्थ में बोलेंगे
टीकाकार बोलते हैं प्रज्ञास्तावत अंतरत्व प्रसिद्धे अधिकतम एकदम विशेषणम इति आशंक व्यक्तस्ते। प्रज्ञा तो हमारे अंदर की वस्तु, ज्ञान अंदर की वस्तु है। ज्ञान तो बाहर, टीका के चौथा लाइन देखिए मिला, टीका में चौथा लाइन प्रज्ञास्तावत अंतरत्व प्रसिद्ध। जब देखिए ज्ञान तो हमारे अंदर की विषय है, वो तो बाहर होता ही नहीं है, तो भेष प्रज्ञा कैसे बोल दिया सभी। करने पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वरूप से भिन्न विषय में जब तक ज्ञान होगा वो बहिष्प्रज्ञा तय होगा, बहिष्प्रज्ञा तय होगा। वहां पे देखिए एक चार नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर प्रतीक के ऊपर, प्रतीक जो है ना बहिष, ठीक है, उसी के ऊपर है प्रतीक ऊपर टिप्पणी है। देखिए चार नंबर, तादात्म्येन अंतरत्यपि विषयतया बाह्यत्वम् अविरुद्धम् इति भावयति शेषम्। देखिए प्रज्ञान के साथ जब मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, इस प्रकार से ज्ञान आपके अंदर कई वस्तु है, संस्कार रूप में अंदर ही रहता है परंतु विषय रूप में बाहर भासता है, विषय रूप में बाहर भासता है। इसलिए बोलते हैं तादात्म्येन अंतरत्यपि, उस ज्ञान के साथ जब एक एक संस्कार के रूप में हमारे साथ बैठ करके वो अंदर आत्म स्वरूप के साथ एक होकर के अपन दुहा अंतकरण है। अंतकरण में कोई विषयात्मक ज्ञान, अंतकरण है, आत्मा में नहीं है, परंतु मैं उसका ज्ञाता रूप में आपको बोलता हूँ। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तादात्म्येन अंतरत्यपि विषयतया, विषय रूप में बाह्यत्व को बाहर दिखने पड़ते हैं, जो अंदर में विषय है और वो बाहर रूप में दिखाई पड़ते हैं, तब भी वो विषय ये है वो पहचान लेता, नहीं पहचान पाते। इसलिए बोलते हैं कि तादात्म्य रूप में अंदर प्रज्ञा ज्ञान बोध, ये हमारे तादात्म्य रूप में अंदर होते हुए भी वो संस्कार के साथ बाहर में प्रतीति होता है, विषय के साथ वो बाहर प्रतीति होते हैं। भाई हम अविरुद्ध, इसलिए ये कहना कोई विरोध नहीं है, यदि भाव यदि यहाँ पे जोर करके समझना पड़ेगा, यदि शेष मतलब होता है इतना समझ लेना, यहाँ पे इतना जोर करके अर्थ करना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए टीकाकार इसको समझा रहे हैं, चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषय प्रतिभाषते तस्य विषय अनपेक्षत्वा। देखिए चैतन्य के द्वारा, चेतना के द्वारा लक्षित होता है जो हमारी बोध स्वरूप, क्या बोध है हमारा, मैं चेतन शरीर का ये बोध है, और उसके ऊपर जो मनुष्य आदि अलग है, चेतनता की बोध तो कॉमन है, ठीक है ना। इसे बताया चैतन्य लक्षण प्रज्ञा, चैतन्य के द्वारा लक्षित होता है जो बोध स्वरूप, स्वरूप भूता, ये बोध कैसे है, स्वरूप भूत है, स्वरूप भूत है न बाह्य भी, ये बोध तो बाहर ही प्रतिभाषित नहीं होता, मैं बाहर ही तो प्रतिभाषित नहीं होता ना, मैं बैग हूं, मैं टेबल हूं, ये तो नहीं प्रतिभाषित होता न बाहर ही प्रतिभाषित है। तस्य विषय, क्योंकि वो जो बोध है स्वरूप भूत जो बोध है वो विषय की अपेक्षा नहीं रखता। आपको आंख बंद करके कान बंद करके आप इस तरह में पड़े हुए हैं फिर भी मैं हूं, किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करते हुए मैं हूं, बाहरी कोई विषय नहीं देखते पर भी मैं हूं, यह देखिए अपना जो स्वरूप भूत जो बोध है वो किसी विषय की अपेक्षा नहीं रखता, ये बात सही है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषय प्रतिभाषते, वो बाहरी विषय में प्रतिभाषित नहीं होते, क्यों, तस्य विषय अनपेक्षत्वा, प्रज्ञा जो स्वरूप भूत जो प्रज्ञा वो विषय की अपेक्षा नहीं रखता, विषय स्वरूप भूत प्रज्ञा की अपेक्षा रखता है परंतु प्रज्ञा विषय की अपेक्षा नहीं रखता। समझ में आता है ये चीज, हम तो उल्टा सोचते हैं कि विषय के सहारे हम जीते हैं, ये नहीं, तुम्हारे सहारे विषय प्रतिभाषित होते, तुम विषय को प्रकाश करते, विषय हमारी अपेक्षा रखता है, मैं विषय के बिना भी रह सकता रहता हूं, मतलब आत्मा के लिए विषय का, विषय की अपेक्षा शरीर के लिए है, शरीर को गर्म कपड़ा चाहिए, आत्मा को गर्म कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आप बोलते हैं कि चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप, देखिए भागी ने एक एक शब्द को थोड़ा सा विचार करिए,
क्योंकि मांडू को कार्य करते हैं आपको बिल्कुल अर्थन की करना और अमर स्वरूप क्यों ले जाएगा। इसीलिए क्या बोलना चाहते हैं कि स्वरूप भूत प्रज्ञा रह सकता है, विषय हमारे उसके बिना भी हमें रह सकता हूँ। इसीलिए बोलते हैं चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषय प्रतिभाषक विषय अनपेक्षक था, तो प्रज्ञा विषय का अपेक्षा नहीं रखते। यहाँ पे पांच और छह नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे, पांच नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं प्रतिभा। देखिए प्रतिभाषता नामो बहि जरा प्रज्ञा, ये जो बाहर दिखाई पड़ता है ना वो बाहर जो प्रतिभाषक है वो बाहर दिखाई पड़ता है। जो हमारी प्रज्ञा विषय के साथ क्या हो जाता है, जब इस विषय के साथ प्रकाशित चेतन हमारे अंदर चेतन रूप में अभिव्यक्त होता है और वही चेतन यहाँ भी है टेबल में भी है, वो किस रूप में प्रकाशित हो रहा है, जड़ रूप में। समझ में आ रहा है आपको, जब वही चेतन जो सच्चिदानंद घन इस शरीर के अंदर अभिव्यक्त हो रहा है वही टेबल में भी है चेयर में भी है, यहाँ पे चेतन रूप में अभिव्यक्त है वहाँ पे जड़ रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो वही प्रज्ञा बाहर विषय के साथ जड़ रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है, वो है तो चेतन पर अभिव्यक्ति किस रूप में हो रहा है, जड़ रूप में अभिव्यक्त। इसलिए आप बोल रहे हैं कि प्रतिभाषता नाम बहिर्जड़ा प्रज्ञा इति सामान्य उक्तत्व अजड़ा अपि किम तथा यदि न तथा कथम इति रेख। आप सामान्य रूप से क्या है प्रज्ञा, सामान्य प्रज्ञा जो है वो जड़ नहीं है, जड़ चेतन है वो यही है, सभी में एक ही चेतन के अभिव्यक्त है, परंतु किसी किसी में चेतन का अभिव्यक्त करके करण स्पष्ट है, इसी में अपने चेतन का संस्फुरित होता है, जहाँ पे करण स्पष्ट नहीं है वहाँ पे चेतन का स्फुरित नहीं है। ये शंका है यहाँ, इसलिए बताए कथम रेखा उद्भवती, ये पिछले संशय इसलिए होता है कि चेतन तब क्या है, जब एक ही चेतन सभी के अंदर ही, तो बोल रहे हैं कि जब एक ही जगत की मूल कारण आप एक ही मानते हैं तो आप जगत के मूल कारण आपने चेतन माना तो समस्त जगत को आप जड़ कैसे मानते हो, जगत को चेतन मानना चाहिए तो हम जगत को जड़ नहीं मानते हैं, हम जगत को चेतन ही मानते हैं, परंतु वहाँ पे चेतन के अभिव्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होने के कारण कर्म नियम के कारण उसका हमें ऐसा मानना था, जगत लोग समझने के लिए लोग व्यवहार के तो वेदांत में देख सच्चिदानंद स्वरूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए आप बोलते हैं कि प्रतिभाषता नाम बहिर्जड़ा प्रज्ञाई थी सामान्य उक्ता तो अजड़ा किम तथा यदि च तथा कथम, क्या वो ऐसे ही है अथवा यदि ऐसा है तो कैसे संशय होती है कि मैं जड़ भी हूँ और ये चेतन कैसे हो सकता है, मतलब ये चेतन है एक ही चेतन वहां पे जड़ यहाँ पे चेतन कैसे हो गया, चेतन में कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक कहां पे परिवर्तन उपाधि की भिन्नता से, उपाधि की भिन्नता से अभी जहां पे वो चेतन की अभिव्यक्ति हो रही है वो चेतन की अभिव्यक्ति चेतन में भिन्नता, जिस प्रकार लाइट सफेद है उसके ऊपर आपने एक कलर डिस्क लगा दिया वो आपको लाइट किस रंग में दिखेगा, लाल काला पीला हरे रंग में दिखेगा, इसी प्रकार चेतन एक ही है और चेतन जिस उपाधि के माध्यम से दिखेगा उस रंग में दिखेगा, वो चींटी से लेकर के सबसे ब्रह्मा जी तक उस उपाधि के माध्यम से चेतन दिखाई पड़ेगा, इसलिए कहते जड़ रूप में दिखता है चेतन रूप में दिखता है, वृत्ति रूपी जो प्रज्ञा है, देखो वृत्ति रूपी जो प्रज्ञा, वृत्ति रूपी प्रज्ञा मतलब मैं इसको जानता हूँ, चेतन की वृत्ति पर घट को पट को जाना वृत्ति रूपी प्रज्ञा हो, मैं घट को जाना पट को जाना वो किसके रखता है, वो विषय की अपेक्षा रखता है, वृत्ति रूपी प्रज्ञा विषय की अपेक्षा रखता है, परंतु वृत्ति रही प्रज्ञा विषय की अपेक्षा नहीं रखता है ना, जो वृत्तियात्मक ज्ञान होता है विषयात्मक ज्ञान होता है वो ज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है, फूल की ज्ञान फूल की अपेक्षा रखता है, घट की ज्ञान घट की अपेक्षा रखता है, पट की ज्ञान पट की अपेक्षा रखता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ आप घट पट फूल को हटाओ तो ज्ञान क्या है उसके समझने का कोशिश करो तब शरीर में पहुंचे, है ना, इसीलिए आप बोलते हैं वृत्तियात्मक ज्ञान विषय की अपेक्षा रखते हुए भी स्वरूपात्मक ज्ञान विषय की अपेक्षा नहीं रखता। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जनक विधेय मतलब उत्पन्न ज्ञान जब विषयात्मक ज्ञान जब उत्पन्न होता है, जनक एक विषय क्या करता है हमको ज्ञान उत्पन्न करता है, घट ज्ञान उत्पन्न हुआ
तो घट ज्ञान जब उत्पत्ति हुई, घट ज्ञान जब उत्पन्न वृत्ति उत्पन्न हुई, तब वो घट ज्ञान उत्पत्ति के विषय तो कौन रहा? विषय घट। घट ज्ञान का विषय कौन होगा? घट। ये जनक विधेय वृत्ति रूप उसी को समझा जाए, वृत्ति रूप प्रज्ञास्तु तद विधेया तद अपेक्षित, मतलब ये जन्ना च प्रज्ञा शब्द में तद अपेक्षित विषय की अपेक्षा रखता है कि विशेष है, यानी कि देखिए वृत्तियात्म ज्ञान विषय की अपेक्षा रखता है और स्वरूपात्म ज्ञान किसी विषय की अपेक्षा नहीं रखता है। और उसी ज्ञान को हमको समझना है, इसीलिए पहले वृत्ति के साथ ज्ञान को देखिए। इस प्रकार एक सफेद मान लीजिए, एक रंग है, अब सफेद रंग को आपको समझना है, अब वो सफेद रंग अलग अलग रंग के साथ मिला करके अलग अलग रंग में दिखाई पड़ रहा है। अब उस रंग अब विचार करिए कि यहाँ पे सफेद रंग को अलग देखा जा सकता है, आत्मा को अलग नहीं देखा जा सकता है। अब क्या है कि उस जिसके साथ मिलकर के दिखाई दे रहा है वो फूल में क्या एक रंग एक रूप दिखाई पड़ता है, नाम और रूप को हटा दो तो उसका एक जो जो चीज बचेगा वो बोध पर स्वरूप। इसीलिए शुरू ऐसा किया, नाम और रूप को सहारा ले करके फिर एक साथ निषेध कर देंगे, सब निषेध हो जाएगा शुद्ध चेतन में। ये प्रक्रिया सूचित यहाँ पे, इसीलिए नाम रूप में मिथ्यात्व तो निश्चय करना जगत सृष्टि हुई नहीं, इसलिए बोलते हैं कि तस्य विषय अनपेक्षित, तो विषय का अपेक्षा नहीं, स्वरूप बोध प्रज्ञा विषय का अपेक्षा नहीं रखते हैं। बाह्यस्य च विषयस्य वस्तु तो अभाव इति आशंका, पारमार्थिक दृष्टि से इस प्रकार स्वप्न में दिखाई दिया। देखिए यहीं से शुरू कर दिया मांडुकारिका की जो मुख्य सिद्धांत है, स्वप्न में जो विषय दिखाई पड़ता है तो वो विषय यथार्थ तो विषय है कि नहीं है? नहीं है, परंतु स्वप्न में विषय का ज्ञान होता है, तो जब विषय नहीं है तो विषय संबंधित ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा कि नहीं होगा? वो भी भ्रांत ज्ञान होगा। जब जहाँ पे रथ नहीं है वहां पे मुझे रथ ज्ञान हुई तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है, यानी कि विषय और विषय संबंधित जो ज्ञान ये दोनों ही जो है मतलब पारमार्थिक नहीं है, परंतु ज्ञान स्वरूप तो पारमार्थिक है, ज्ञान स्वरूप तो पारमार्थिक है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि बाह्यस्य विषयस्य वस्तु तो अभाव, पारमार्थिक दृष्टि से बाहरी वस्तु है ही। अजात बात को मानेंगे, अजात बात मानने का मतलब बाहरी वस्तु है नहीं तो बाहरी ज्ञान कैसे हो रहा है? स्वप्न में कैसे हो रहा है तुम्हारा? जैसे स्वप्न में हो जाता है अपने संस्कार से बाहरी वस्तु को उत्पन्न करके बाहरी वस्तु को देखते रहते हैं, इसी प्रकार जागृत काल में भी, जागृत काल में देखिए हमारे संसार आपके संसार अलग है। क्यों? जागृत काल में हमें किसी विषय के ऊपर हमने मैं एक कठप्पा लगा दिया, उसी से हमारा संसार चलता है। आपने कुछ विषय में अपना मैं और मेरा ठप्पा लगाया, उसी से हमारा व्यवहार चलता है। परंतु दोनों ही जहाँ पे मैं और मैं, दोनों जगह पे मैं और मेरा ठप्पा लगाया, दोनों ही विषय नहीं है, परंतु ये लगाना इसीलिए वो ज्ञान भी दोनों के लिए भी। यदि हम ये समझ जाएंगे तब जो लोग जहाँ पे पहुंचेंगे दोनों का ज्ञान एक ही विषय के साथ भिन्न होते हुए भी, इसलिए आपका विषय अलग, ज्ञान का विषय अलग, और ज्ञान का विषय एक होते हुए भी अंतर संस्कार वहां भी अनुकूल होता है प्रतिकूल के अलग। इसीलिए आप बोलते हैं कि बाह्यस्य विषयस्य वस्तु तो अभाव, वस्तु तो शब्द प्रयोग किया, पारमार्थिक बाहरी वस्तु का अभाव है, मांडू करके यही सिद्धांत है। आशंका तो बहिर्विषय प्रज्ञा वो कैसे हो सकता है? आपने बोला बहिर्विषय प्रज्ञा, जैसे आपके वेदांतिक सिद्धांत कौन सा बाहरी विषय है ही नहीं, तो प्रज्ञा कैसे होगा? ये प्रज्ञा तो होना संभव नहीं है, ठीक है ना? समझ शंका कहाँ हो रहा है? आपने क्या बोला बहिर्विषय प्रज्ञा जस्य, वेदांतिक सिद्धांत कौन सा बाहरी कोई विषय पारमार्थिक है नहीं, तो जब बाहरी विषय नहीं है तो बाहरी विषय का ज्ञान भी कहाँ से होगा? तो बस यही तो हम समझाना चाहते हैं, विषय और विषयात्मक ज्ञान तुम्हें हो रहा है ना, ये पारमार्थिक वस्तु नहीं, उसको छोड़ो स्वरूप ज्ञान को, हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है? अध्ययन प्रक्रिया, इसलिए बोलते हैं बहिर्विषय एव प्रज्ञा अविद्या कृता अवभाषते, भाषण में आ जाइए सेकंड लाइन पे, बहिर्विषय इव। अब देखिए वहां पे बाहर विषय है जैसा क्यों दिखाई पड़ता है? अज्ञान के कारण, अधिष्ठान की ज्ञान नहीं है, अधिष्ठान रूपी रज्जु की ज्ञान नहीं है मुझे, परंतु क्या हो गया मैं उसको सर्प को भूमि जल चरा पूछे तो इस रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सच्चिदानंद पूर्ण व्यापक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें क्या दिखाई पड़ता है? हिमालय गंगा मकान दुकान रूप में दिखाई पड़ता है।
ठीक। और जो सबसे परेशान ये शरीर आता है, ये रूप में दिखाई पड़ता है, सच्चिदानंद इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वही विषय इव वही देखिए भगवान भाष्यकार की पंक्ति को अपने आप पहले बोला वही विषय, तो हमने बोला बहिष्प्रज्ञा श्रुति श्रुति को पर आक्षेप है, ये बहिष्प्रज्ञा कैसे हो सकते हैं। तब बोलते हैं कि स्वरूपभूत प्रज्ञा होते हुए भी वो बाहर वो प्रकृति होती है, प्रत्येक बहिर्विषय इव प्रज्ञा अविद्या कृत क्यों अधिष्ठान तत्व के अज्ञान के कारण अविद्या कृत अवभाषते प्रतीति मात्र होती है, प्रतीति मात्र होते इति अर्थ। ठीक है, आप देखिए आगे फिर टीका में न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय विषय इष्यते बुद्धि वृत्ति रूपा तो असो अज्ञान कल्पिता तद विषया भवति। ठीक है, इसी का अर्थ का भाष्यकार की पंक्ति किसका बहिर्विषय इव प्रज्ञा इस पंक्ति के अर्थ लिखा टीकाकार है ना, आपको भाष्य टीका को संबंध को समझ करके चलना है। वहां पे क्या बोलते हैं न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय इष्यते, हमारी स्वरूप भूत प्रज्ञा है ना वो बाहरी विषय की अपेक्षा नहीं रखता ना इच्छा करती है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तब आप फिर कोई विषय से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। परंतु बोलते हैं स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय न इष्यते, न कैसे करेंगे स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से बाह्य विषय न इष्यते, बाह्य विषय को अविष्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है, बुद्धिवृत्ति रूपा तो असो अज्ञान, अब बुद्धिवृत्ति रूपी जो हमारे ज्ञान हो रहा है ना घट ज्ञान पट ज्ञान में ये जानता हूं मैं ये जानता हूं इतना पिता ये सारा अज्ञान बुद्धि वृत्ति रूपा जो ज्ञान है वो तो अज्ञान कल्पित है तद विषय को विषय को संबंध रखकर के होता है भगवत न अपि वस्तु तो तद विषयतम अनुभवति न च सा अपि साम्प्रक वस्तु तो तद विषयतम अनुभवति, वो प्रज्ञा उस विषय के साथ तादात्म्य करके प्रज्ञा का भी आपका विषय नहीं बनता। न च सा अपि साम्प्रक सा प्रज्ञा वो जो स्वरूप भूत प्रज्ञा वो कभी विषय नहीं बनता। विषय कौन बन रहा है, घट विषय बन रहा है, पट विषय बन रहा है, उस घट और पट को अभिव्यक्त करने वाला। देखिए जिस समय जब तक हम रज्जु को सर्प को देखते हैं तब तक रज्जु हमारा ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बनता, रज्जु देखते हुए भी परंतु रज्जु संबंधित बोध नहीं होता। ठीक है ना, इसी हमारे यहाँ पे कह देगा दृष्टांत दर्शन भिन्नता का है, रज्जु एक सामने विषयमान सामने विषय रूप में देखने वाला वस्तु है परंतु आत्मा कभी भी विषय रूप में आपके सामने आने वाला नहीं है क्योंकि वो तो दृष्टा है, उद्देश्य कैसे होगा, दृष्टा यदि दृश्य हो जाए तभी दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा कभी, दृष्टा यदि दृश्य हो जाए तब कोई दृश्य ही सिद्ध नहीं होगा, होगा क्या, देखने वाला दृश्य बन गया तब दृश्य कौन सिद्ध करेगा। इसलिए दृष्टा को दृष्टा रहने दो, लड़ाई मत करो तब कोई व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि न चापी वस्तु तो तद विषय था मनोभवती, वो जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना आप सोच रहे हैं मैं जानने वाला ज्ञान स्वरूप घट को जाना, घट को जाना तो हमें घट विषय संबंधित ज्ञान हुआ। आप जो है आपको क्या लग रहा है वो जो प्रज्ञा उसको सच्चिदानंद उद्यमी को अभिव्यक्त किया उसको सच्चिदानंद हमारे जो है ज्ञान हुआ उस ज्ञान का विषय वो प्रज्ञा बन गया, क्या लगता है। जिस प्रकार यहाँ पे इस पेन और पेन के अंदर एक पेंसिल के रिफिल अंदर भरा हुआ है तो जब हमको ये थोड़ा सा निकला हुआ है उसके साथ हम लिखते हैं तो क्या था पेन की कवर के साथ अंदर की वस्तु का भी ज्ञान होता है। ठीक है ना, एक सेकंड, इसी प्रकार यहाँ पे एक टेबल एक फॉर्म नई मैन फॉर्म दिखाई दे रहा है और उसके अंदर सच्चिदानंद भी है। आप ये बताओ कि टेबल के ज्ञान के साथ सच्चिदानंदों का ज्ञान आपका विषय रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रतीत तो ऐसे ही लग रहा है परंतु सच्चिदानंद विषय क्योंकि आपका स्वरूप होकर वहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है, ये आपका अपनी स्वरूप की व्यापकता को देखने के लिए सोचो और नाम रूप के माध्यम से वहाँ अभिव्यक्त हो रहा है आपका स्वरूप है वो, इसलिए वो विषय नहीं बनता, विषय तो नाम रूप बनता है।
नहीं तो क्या हो जाएगा, कर्मों करते दोष हो जाएगा। मैं ही अपने आप को विषय कैसे कर सकता हूँ, कर्ता दृष्टा अपने को दृश्य कैसे बना सकता है, दृष्टा का भी दृश्य नहीं हो सकता। इसलिए केवल मात्र नाम रूप ये हमारी भ्रांति होती है कि देखो उसको तो हम सच्चिदानंद को जान लिया, कोई बात नहीं समझने के लिए इतना समझो, परंतु जब तुम अपने को परिच्छिन्न सच्चिदानंद मान रहे हो तब वो परिच्छिन्न सच्चिदानंद हमें दिखाई हो रहा है, परंतु वृत्ति आत्मक है, ये अहंकार वृत्ति के साथ ना परिच्छिन्न को माना वो भी वृत्ति आत्मक है, परंतु वृत्ति आत्मक केवल वृत्ति का विषय जो है ना नाम और रूप इंद्रिय को उसका विषय करता है, स्वरूप का विषय नहीं करता, स्वरूप का विषय नहीं करता। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सर ये न चापि वस्तु तो तक विषयता को अनुभव होती, साप प्रज्ञा विषयता को अनुभव नहीं करता, ठीक है, वस्तु तो स्वयं अभाव बाह्य से विषय से काल्पनिक करता अत तद विषयत्म प्रातिभाषिक मिति अर्थ। अब बताइए कि बाहरी वस्तु पारमार्थिक वस्तु पारमार्थिक स्वयं अभावात बाह्यस्य विषयस्य काल्पनिक, बाहरी विषय पारमार्थिक है नहीं, वेदांतिक दृष्टि से रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो सर्प वहां पे है क्या, नहीं है, ठीक है ना, तो बाहरी विषय नहीं है तो आपको सर्प ज्ञान हुआ तो यथार्थ ज्ञान होगा क्या, नहीं हो सकता है, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। हम मतलब रज्जु को ही सर्प रूप में समझ लिया, सच्चिदानंद के हिमालय आदि में रूप में समझ लिया, बोलते हैं कि वस्तु तो स्वयं अभाव पारमार्थिक दृष्टि से उसका अभाव होने का बाह्य विषय काल्पनिक अर्थ, बाहरी विषय काल्पनिक होने के कारण अतः तद विषयत्व प्रातिभाषिक, इसलिए उसको जब हम विषय रूप में देखते हैं वो एक प्रतीति मात्र प्रातिभाषिक मिति अर्थ। ये अतः के ऊपर एक टिप्पणी दिखाई पर अतः थी बुद्धि तद विषय च वस्तु तो अभाव, भारी मुश्किल होगा यहाँ पे और टिप्पणी कर, देखिए एक और धक्का जबरदस्त दिया, बुद्धि बुद्धि का स्वयं अभाव है, बुद्धि भी तो कल्पित है, बुद्धि तब विषय बुद्धि से जो भी कुछ हमने विषय बनाया, बुद्धि से जो भी कुछ हमने विषय बनाया, सपने में मैंने देखा मैंने एक बहुत अच्छा जो है फर्स्ट क्लास फाउंडेशन बनाया, क्योंकि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे, अब फिर तो वो मल्टी फाउंडेशन पक्का हो गया, फिर हम विषय बनाना शुरू किया, जग गया तो फाउंडेशन बचा रहेगा कि नहीं, वो भी तो जाएगा, ये बुद्धि हो गया विषय देखने का फाउंडेशन, बुद्धि को ऊपर आश्रय करके सारा जाना हुआ है तो फाउंडेशन ही तो गलत है, वो है ही नहीं वहाँ पे, बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि भी गलती है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इतना यदि निश्चय हो जाए आपको देखिए तो आप कहाँ कोई चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इस टिप्पणी का एक की और ठोक दिया उसके ऊपर, अतः जब तक अतः की थी बुद्धि तद विषय सचा बुद्धि और बुद्धि का जो विषय है ना विषय च वस्तु तो अभाव पारमार्थिक उसके अभाव है, ये बुद्धि का भी अभाव है वो कौन सोचेगा, बुद्धि सोचेगा। अब जब तक हम अपनी बुद्धि से काम लेते रहेंगे तब तक बुद्धि के अभाव है ये सोचा जा सकता है, कितना डिफिकल्ट टास्क है देखिए, वेदांत वेदांत ये क्या है बुद्धि के अभाव, शुद्ध बुद्धि में विषयात्मक जो वृत्ति उठते हैं ना उसका अभाव हो जाना, तब क्या होता है अंतकरण अंतकरण जो वृत्ति के साथ अलग दिख रहा था अब क्या हो जाएगा अधिष्ठान के साथ एक हो जाएगा, आप अंतक बुद्धि अलग क्यों दिखाई दे रहा है वो संस्कार संस्कार के कारण, मैं शरीर हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं संसार वाला हूँ, बुद्धि क्या हो जाएगा मनुष्य की वृत्ति उठाना बंद कर देगा, कहां से अधिष्ठान के साथ एक हो जाएगा और वो वृत्ति बंद हो जाएगा, सारा वृत्ति बंद हो जाएगा, वो वृत्ति बंद हो जाए तो इसीलिए बहिष्प्रज्ञ को बहुत ध्यान देना है, जितना हम इसको लेकर के सोचते रहेंगे तब तक हमारे बहिष्कर है ना, तो ये चीज जो है कि थोड़ा कठिन तो लगता है शुरू शुरू में, कठिन तो कैसे होगा, परंतु ईश्वर यदि नहीं होता तो शास्त्र नहीं बोलते, ये होना संभव है, ये होना संभव है, धीरे धीरे हमारा अंतकरण जैसा शुद्ध होता रहेगा, बाहरी विषय से धीरे धीरे मन विचल होता रहेगा, शरीर संबंधी चिंता भी छूट जाएगा,
क्या ये जो होगा दिखा जाएगा, जैसे भगवान ने प्रारब्ध ने मना न करने बोला तीन प्रकार प्रारब्ध है उसी को पर चला उसको हम तो बदल क्या करेंगे, हम केवल इतना ही मात्र है बस मन ईश्वर मुखी मन हो जाए, ये हमारी प्रारब्ध विधि हो जाए, ईश्वर मुखी मन हो जाए, आत्ममुखी मन हो जाए, बस इतना ही हमारे परिपूर्ण सका है, बाकी जो होगा दिखा जाएगा। इसलिए पूर्वेण विशेषण विशेषणांतरम समुच्यति, तो पहला विशेषण क्या हो गया था बहिष्प्रज्ञ, ठीक है ना, ये जो वैश्वानर का विशेषण हो गया जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, एक नेक्स्ट विशेषण क्या है सप्तांग, उस व्यक्ति का कितने अंग है सात अंग है ना, वो हो गया अंगी, वैश्वानर के अंगी उसका सात अंग है, जिसका अंग है वो उसको बोलते हैं अंगी, इससे अंग और अंग यानी कि अंगी अंग से भिन्न होता है, अथवा अंग मिलकर के अंगी बनते हैं, अंग को अनुभव करने वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पूर्वेन विशेषण, पहला विशेषण के साथ विशेषणांतरम समुच्चय, एक अलग विषय है सप्तांग, ठीक है ना, वो होगा तो उसको समुच्चय करते हैं तथा। अब अजय तथा तथा सप्तांगानि अस्य, है ना, सात अंग है इसका, है ना, अब सात सप्तांगानि अस्य मतलब देखिए बहुत बड़ी समस्या है, जैसे ना पीतम पीताम्बराणि यस्य सपीताम्बर, इसी प्रकार सप्तांगानि यस्य अस्य, यस्य मतलब जिसका बोलता, परंतु यहाँ पे जिसका नहीं बोलता इसका, जिसको बोले तो भारी वस्तु हो जाएगा, तो प्रश्न अस्य मतलब इसका, इसका सात अंग प्राण पृथक वर्तम आत्मा संदेह बहुल बस्तिरेव रही पृथ्वी एव पादौ इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आह्वनीय अग्नि अस्य मुखत्वेन उक्त इति एवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, अब इसको पढ़ देखिए, ये छांदोग्य श्रुति है, पांच वैष्णव उपासना कांड है, छांदोग्य उपनिषद पंचम अध्याय के 18वां कांड, जहाँ पे छह ऋषि में पांच छह ऋषि मिलकर के उसके पास गए थे, अश्वपति कैकेयी के पास गए थे, अब तक नहीं आया वैश्वनर, आपने तो पढ़ा वैश्वनर अधिकरण तो आया हुआ आपके पास ब्रह्म सूत्र में, वैश्वनर उपासना मतलब विराट पुरुष की उपासना, विराट पुरुष की उपासना, तो वहाँ पे बोलते हैं मूर्धे व सुतेजा दुलु, दुलु मतलब क्या होता है जो सुतेजा प्रतिष्ठित रूप में तेज से भरा हुआ है, शुष्ट तेज सुतेजा है ना, अच्छा तेज से भरा हुआ है, दुलु को लेकर के बोलते हैं, चक्षु विश्व रूप, आदित्य को चक्षु बोलते हैं मतलब अनेक रंग है जिसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, और विराट पुरुष के ये अलग अलग दिशा में चलने वाले वायु, वायु हो गया उसका प्राण, द्युलोक हो गया उसको शिव, सूर्य चंद्र सूर्य हो गया आंख, वायु हो गया विराट पुरुष के प्राण, ठीक है ना, फिर विलपना संदेह बहुल, और जब ये जो शरीर के मध्य भाग बहुल बोलते हैं उसको, समग्र देह या बहुल मतलब ये अंतरिक्ष जो स्पेस है वो उनका शरीर है, जो स्पेस उनका शरीर है, द्युलोक उसका सर है, सूर्य चंद्र उसका आँख है, और वायु उसका प्राण है, ठीक है ना, और वाग विवृतस्य वेदा उनको विराट पुरुष के वेद हो गए उसके वाणी दूसरे परिषद में है मुंडक परिषद में, संदेह बहुलो बस्तिरेव रही, ये जल है ना, जल उसका बस्ती देश है जहाँ पे हमारा मूत्राशय है, और पृथ्वी पालो पृथ्वी उसका पैर है, विराट पुरुष के पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे के भाग उसका पैर है, जल उसका बस्ती देश है, और अंतरिक्ष स्पेस उसका शरीर के मध्य भाग है, दूरक उसका सर है, चतुर्थ उसका आँख है, और वायु उसका प्राण विराट पुरुष है, ठीक है, और वहाँ उसका एक अंग बच गया कि आओ फकी वहाँ पे विराट आह्वानीय अग्नि जहाँ आहुति देते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कितना अंग हो गया है, देखिए वैश्वानर मूर्धे वसुतेजा सर दिखाया, फिर चक्षु दिखाया, फिर आपका प्राण दिखाया वायु रूप में, और शरीर के मध्य भाग दिखाया वस्त्रेव रही, और अभी पृथ्वी पादो, ये छह हुआ यहाँ पे, और एक आह्वनीय अग्नि देते हैं इति अग्निहोत्र कल्पना शेष उसका अंग के रूप में, आह्वनीय अग्नि अस्य मुखत्वेन, आह्वनीय अग्नि एक आँख जो होते हैं ना
तीन प्रकार की आंख होते हैं। एक मतलब पहले जमाने में ब्राह्मण लोग घर में एक आंख हमेशा बना के रखते थे, उसको बोलते हैं गाढ़ो तत्व। हमारे जैसे स्विच वाले से बिजली जलती है नहीं था, वहाँ भी घर में एक आंख बना के रखते, उसको बोलते हैं गाढ़ो तत्व। उस गाढ़ो तत्व अग्नि से एक अग्नि को ले करके आपको अग्नि कुंड में हवन करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वहाँ से अग्नि आधान करते अनुहार, और एक जगह पे उसको ले करके उसको बोलते हैं आह्वनीय अग्नि। आह्वनीय अग्नि मतलब मुखो गर्भत्व अग्नि से अग्नि को आधान करते हैं जो अपने कुंड में है ना, फिर वहाँ पे आहुति देते हैं। वहीं से जो रसोई में खाना बनाना होता है अनुहार जो पचन या आहार को पकाया जाता है वहीं पर जाकर के रसोई में आग लेके दे, उसमें पहले जमाने में लकड़ी से खाना बनते थे, फिर यजमान जब मर जाते हैं उसी आग से आग लेकर उसको दक्षिण दिशा में लेकर के जलाए, उसको दक्षिण अग्नि भी बोलते हैं। एक ही अग्नि को अलग अलग प्रकार के यूज करके उसका अलग अलग समझना गर्भपत्र अग्नि से इतना विभाजन होता है। तो आहोवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है, तो उस वैष्णव उपासना का आहुति देते हैं ना प्राणायाम से अपानायाम से, इस आहोवनीय अग्नि के रूप में मुंह को कल्पना करते विराट पुरुष, इस प्रकार से सात अंग पूरा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अग्निहोत्र कल्पना शिष्यत्र अग्निहोत्र कल्पना की अंगों के रूप में आह्वनीय अग्नि असमुखत्र आह्वनीय अग्नि विराट पुरुष के मुंह में मुखत इति एवं सप्तांगानि, इस प्रकार से ये सात अंग होता है जिसका सप्त कौन है विराट पुरुष, ठीक है। अब यही पे रखते हैं, समय हो गया तो ठीक है, पहला दिन इतना चल गया इतना ही बहुत है, क्या करें, इस दिन भागा नहीं जाता क्योंकि इसको आपको समझना है, विचार करना है कि क्या चीज हमको समझाना चाहता है सूत्र। यहाँ पे शब्द अलग है परंतु थोड़ा विचार दृष्टिकोण वैश्वत को समझना है, सामान्य व्यक्ति नहीं वैश्वान अंग प्रकार से सोचते हैं, अच्छा का भी शब्द देखिए कि आपको सोचना है कि हाँ करने वाले वैश्व। अच्छा पहले हम जो है उसका अंतिम में जिसको है कहाँ पहले से शुरू करते हैं, एक ओम अजम पीयूनि योगम प्रापदैश्वर्य योगा अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुक्तेक्षणानां प्रणतवह विहंत्रि ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।